श्रीकाल जी फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज का टॉपिक है कि डॉग के नेल कट कब करने चाहिए। अगर तो डॉग रफ फ्लोर पर रह रहा है तो नॉर्मली एक दो महीने भी निकल जाते हैं, इससे ज्यादा समय भी निकल जाता है अगर अच्छी लंबी आप वॉक सुबह शाम डॉग को देते हो। दूसरे केसेस में माय फ्रेंड, जब डॉग स्लिपरी और मार्बल फ्लोर पर रहता है, उस केस में फिर बहुत ज्यादा डॉग के आपको नेल कट करने पड़ते हैं। बेस्ट तरीका तो है ये, वैसे डॉग का अलग से फाइलर आता है, नहीं तो हमारे नेल कट में भी फाइलर होता है, या आप डॉग की समय समय पर जो पॉइंट आगे होते हैं उसको आप रब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि मोस्टली वाला ये वाला नाखून जो होता है ये डॉग के आगे जाकर बढ़कर फिर स्किन के अंदर जाने के चांसेस होते हैं बॉस वर्क विथ, तो उस केस में फिर आपको ये काटना बहुत जरूरी हो जाता है। काटना कोई मुश्किल नहीं है, ये लीजिए, हमेशा ये आप जहां देख रहे हो ये डॉग के जो पिंक है ये ब्लड, मोस्टली जो डॉग के अगर आप नाखून देखोगे ना तो जो जिस ब्रीड के व्हाइट कलर के नाखून होते हैं उनमें आपको पिंक ब्लड, डॉग के नाखून के अंदर ब्लड सर्कल करता है, छोड़ दो तो वह आपको दिख जाएगा। ये देखो व्हाइट चीज है, ये आप काट सकते हो, जिसके नीचे जो पिंक है या वो चीज नहीं काट सकते। जिन डॉग ब्रीड के नाखून ब्लैक होते हैं उसमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें फिर भी आप कर सकते हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये व्हाइट चीज है वो ही मैं काटूंगा, ये लीजिए मैंने पिंक छोड़ दिया, अदरवाइज जहां से अगर ज्यादा काट दिया तो ये देखो छोटा सा छेद है, यहां से ब्लड निकलेगा। तो फिर नाखून का अगर भगवान ना करे डॉग का ब्लड निकले तो उसको रोक पाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है।